है, टॉर्क अबाउट एन एक्सेस मे बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द एक्सेस। तो आपने देखो ए बी एक्सेस है आपकी, ठीक है ना, ए बी एक्सेस है और यहाँ पर कोई पी पॉइंट पर आपका एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, और इस एफ वेक्टर का ए बी एक्सेस के अबाउट टॉर्क निकालना है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो ये आपका ओ पॉइंट है, तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा इसका, हाँ आपका टॉर्क ओ के अबाउट हो जाएगा, ओपी क्रॉस एफ वेक्टर हो जाएगा। तो इस टॉर्क का फिर आप कंपोनेंट लेंगे, ए बी के अबाउट टॉर्क लिखना है आपको एफ वेक्टर का। आपने क्या किया, किसी पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकाल लिया और फिर उसका कंपोनेंट ले दोगे, तो ए बी के अबाउट कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ओपी क्रॉस एफ वेक्टर डॉट, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लिया एन कैप हो जाएगा, तो ए बी के अलोंग कंपोनेंट ये आ जाएगा ओपी क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है ना। अब आपने कोई दूसरा पॉइंट ओ वन ले लिया, ये ओ वन ले लिया इस तरह से, तो ओ वन के अबाउट टॉर्क लिखा आपने, फिर उसका कंपोनेंट लोगे। मैंने आपको ये नहीं बताया ना, मैंने बोला आपको किसी एक्सेस के अबाउट निकालना है, इस एक्सेस पर कोई भी पॉइंट लेके आप उसके अबाउट टॉर्क ले लो और फिर उस लाइन के अलोंग कंपोनेंट ले लो, आपका टॉर्क आ जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ये प्रोसेस करो बेटा, आंसर सेम आएगा, ये मैटर नहीं करता कि आप लाइन पर कौन सा पॉइंट ले रहे हो। तो ये बहुत इजीली वेक्टर एडिशन से आपको दिख जाता है, तो वही बता रहा हूँ मैं। तो ओ वन पॉइंट के अबाउट कितना होगा, ओ वन पी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर होगा, ठीक है ना। ओ वन पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ओ वन पी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर होगा। अब देखो इस ओ वन पी वैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल लॉ से लिख सकता हूँ क्या, ओ वन पी वैक्टर को ओ वन ओ वैक्टर प्लस ओ पी वैक्टर, ओ वन ओ वैक्टर प्लस ओ पी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर, ये लिख सकता हूँ उसको, चेक करो एक बार। तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ वन ओ वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर प्लस ओ पी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर बन जाएगा। अब आप इसका अबाउट ए बी कंपोनेंट लो, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ टाउ ओ वन वैक्टर अबाउट ए बी, ए बी के अबाउट कंपोनेंट लोगे, ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर एक एन कैप ले रखा है आपने, तो ले लो उसका कंपोनेंट। तो टाउ ओ वन अबाउट ए बी कितना आएगा, टाउ ओ वन वेक्टर डॉट एन कैप आएगा, ठीक है, ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे, ओ वन ओ वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप प्लस ओ पी क्रॉस एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ये जो आपने लिखी थी ना वैल्यू और आपने ओ वन ओ वैक्टर प्लस ओ पी वैक्टर से रिप्लेस करके ये आ गया था, इसका डॉट लोगे एन कैप के साथ, इसका अगर एन कैप के साथ डॉट कर रहे हो तो यही आएगा। अब देखो आप इस ओ वन क्रॉस इसको देखो, ये वैक्टर क्या होगा, ओ वन वैक्टर क्या है आपका, एन कैप के पैरेलल ही तो है, तो ये वाला जो वैक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर टू ओ वन ओ वैक्टर होगा ये बोल सकता हूँ मैं, ओ वन ओ वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ओ वन वैक्टर, और एन कैप तो ओ वन ओ वैक्टर के पैरेलल ही है, तो उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस टर्म का, चेक करो एक बार। ओ वन ओ वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर, तो ओ वन ये जो वैक्टर आएगा पक्का ओ वन ओ के परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी से जो क्रॉस प्रोडक्ट से वैक्टर बनता है वो दोनों वैक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आपका ये ओ वन ओ वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एन कैप, तो इसलिए ये टर्म जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब बची ये वाली ओ पी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर डॉट एन कैप, तो ये किसके बराबर आ रही है, वही तो आ रही होगी, यही तो आ रही है, ये जो आपने लिखा था टाउ का कंपोनेंट ओ पी वैक्टर क्रॉस एफ वैक्टर, तो आप कह तो सकते हो कि ओ वन का ए बी के अलॉन्ग कंपोनेंट वही है जो टाउ ओ का ए बी के अलॉन्ग है, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो एक्सिस पर फिर कंपोनेंट लोगे उस एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो सेम ही आएगा, तो ये मैटर नहीं करता आपने उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए कौन सा कंपोनेंट लिया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा कंपोनेंट टॉर्क लिखने के लिए लिया है, कौन सा पॉइंट चूज किया एक्सेस पर, कोई सा भी पॉइंट चूज कीजिए, फिर आप उसके अबाउट आर क्रॉस एफ लगा दीजिए, फिर उसका कंपोनेंट लीजिए उस एक्सेस के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है आपकी किसी भी एक्सेस के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क लिखने की या किसी भी
पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क लिखने की।